शाम 6 बजे से आप लगातार न्यूज़ एक्सप्रेस पर देख रहे हैं ऑपरेशन लोकसभा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ दर्शकों ने ट्विटर पे और फेसबुक पर शिकायत की है कि आपने ये ऑपरेशन लोकसभा पहले क्यों नहीं दिखाया। अपने उन दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि आप सभी जानते हैं कि 5 मार्च को चुनाव की घोषणा की गई थी और जिस तरह का ये इन्वेस्टिगेशन है ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के बाद ही किया जा सकता था। और आप इस बात को मानेंगे कि 5 मार्च के बाद अगर आज हम 11 अप्रैल को ये स्टिंग ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन आप तक पहुंचा रहे हैं तो ये बहुत कम समय होता है इस तरह के इन्वेस्टिगेशन में। कम से कम 9 पार्टियां और 12-13 उम्मीदवार अलग अलग राज्यों में अलग अलग ज़िलों में जाकर के हमने बात की लोगों से, तो इस तरह के इन्वेस्टिगेशन में वक्त लगता है। और ये इन्वेस्टिगेशन हमारा कल ही या कहें 9 तारीख को हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा हुआ और आज दोपहर तक भी ये इन्वेस्टिगेशन चलता रहा। हमने पूरी कोशिश की थी कि इस इन्वेस्टिगेशन को आप तक पहुंचाएं 9 तारीख से पहले, चुनाव से पहले, लेकिन उसके बाद आचार संहिता की वजह से हम 9 को ये इन्वेस्टिगेशन आप तक नहीं पहुंचा पाए। अब हम आगे बढ़ें उससे पहले वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह और प्रताप सोमवंशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रताप जी, दिल्ली के चुनाव तो अब हो गए लेकिन अभी भी चुनाव आयोग क्या कुछ कर सकता है? जो उम्मीदवार दिल्ली में, जिन्होंने, जिन पार्टियों ने दिल्ली में लोकतंत्र के साथ और मतदाताओं के साथ छल किया है। नहीं देखिए, कार्रवाई तो विरोध कभी भी हो सकती है। यहाँ कार्रवाई तो स्थिति ये होती है कि लोग सांसद चुन लिए जाते हैं और 3 साल 4 साल बाद अदालतों से उनके चुनाव कैंसिल हुए हैं, खारिज होते हैं, कब मुकदमे लिखाए जा सकते हैं, तमाम सारी कार्रवाई हो सकती हैं। और आप देखिए कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस लोकतंत्र की नाम पे, मतलब एक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए तमाम सारी छोटी पार्टियां, बड़ी पार्टियां, ये कहा गया कि आप किसी एक मुद्दे को उठा रहे हैं तो आपके पास एक पॉलिटिकल स्पेस में अपनी बात को कहने के लिए आप पार्टी बनाएं, ये कितना बड़ा छल है उन भले लोगों के लिए जो इकट्ठा होते हैं। और कुछ ऐसा नहीं है कि सारी छोटी पार्टियाँ गुनहगार हैं, इनमें वो सारे लोग कि अब सब के सब उसी शक की नीयत से देखे जाएंगे। तो ये सारे लोग इसलिए ज़रूरी है कि आने वाले दिनों में इन लोगों के ख़िलाफ़ बहुत ही सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि ये सारे लोग जो अभी जिनका हम देख रहे थे, डॉक्टर छिब्बर, मतलब देखने में वो आदमी विदूषक की तरह लग रहा है, जो बोल रहा है, व्यवहार से, बातचीत, मतलब हंसी आ रही थी उसको देखते हुए, लेकिन जो आचरण है वो इतना डरावना है। आप ये बताइए, वो हर गलत काम करने को तैयार हैं, हर गलत चीज़ पे हाँ करते रहे हैं, वो ललचाई नज़रों से जैसे लगता है कि टपकती हुई लार उनके सामने निकली हुई है, सामने बैठा हुआ है, उनको लग रहा है कोई तुरंत पैसा दे दे, गाड़ी दे दो, पैसा दे दो। और वो आदमी मजाक में ये कहता है, अरे बताइए कल सुबह जंतर मंतर लेके चले आते हैं। एक सिरे से सारे गलत काम करने को हामी, तो मुझे लगता है कि जैसे बहुत समय पहले जितने NGOs में कि किस तरह से फ्रॉड हो रहे हैं, तो उन संस्थाओं की एक बार बहुत बड़े लेवल पर पड़ताल हुई थी और तमाम सारे जो सरकार से अनुदान लेती थी संस्थाएं, हैदराबाद के एक एक घर में एक पते पे 80-80 संस्थाएं पकड़ी गई थीं। मुझे लगता है जितनी पार्टियां रजिस्टर्ड हैं उनके बहुत गंभीरता से जांच करनी चाहिए और उनके जो चलाने वाले लोग हैं, ये जो चलाने वाले लोग हैं, जब इनकी पड़ताल की जाएगी तो इन सब की डिग्रियाँ भी फर्जी निकलेंगी। बहुत सारे लोग जो डॉक्टर और प्रोफेसर लिखे दिखाई पड़ रहे हैं, पता चलेगा इनकी डिग्रियां भी फर्जी हैं, इन पे तमाम सारे मुकदमे मामले दिखाई पड़ेंगे। तो इनके व्यक्तिगत तौर पे इनकी जांच की जाए, इनके पदाधिकारियों की, इन पार्टियों की भूमिका की, और पार्टियां बनाने को कहीं जटिल न किया जाए। क्योंकि होता क्या है, जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो कहेंगे पार्टी बनाना इतना कठिन कर दो कि कुछ गरीब लोग, कुछ लोग इकट्ठा होकर काम करना चाहें तो उनके लिए मुश्किल कर दो। गलत लोग बाहर जाने चाहिए, न कि व्यवस्था को आप ऐसी बना दें कि उसमें जो साधारण लोग हैं वो शामिल होना चाहें तो ना हो पाए। अभी हमारे पास कुछ और खुलासे बाकी हैं, उससे पहले मैं एनके सिंह आपसे जानना चाहूँगा कि नवीन चावला ने भी कहा कि इलेक्शन कमीशन की बहुत कोशिशें रही लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है जिसकी वजह से कड़े कानून नहीं बन पा रहे। जी हाँ, राजनीतिक इच्छा शक्ति और समाज इतना जागरूक नहीं हुआ है। अब आपने ये कोशिश की है, हम सब मीडिया काफ़ी तेज़ी से लगा हुआ है, बाकी इंस्टीट्यूशंस भी लगे हुए हैं, तो जब पब्लिक से प्रेशर पड़ता है, इसको यूं कहा जाता है कि जैसे कि पब्लिक ओपिनियन का अगर प्रेशर पड़ेगा तो ये पॉलिटिकल क्लास बहुत दिन तक इसको रोक नहीं पाएगा, बदलना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब देखिए इसमें 123 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 123 सबसेक्शन 1 में ग्रेटिफिकेशन की परिभाषा है जी।
और बड़ी स्पष्ट परिभाषा है कि आप अगर इस तरह से करते हैं, किसी को ऑफर करते हैं और उससे कैंडिडेट बैठाने का, कैंडिडेट खड़ा करने का, कैंडिडेट विड्रॉ करने का, तो आप इसमें आते हैं, तो इसमें लॉ है, ऐसी कोई बात नहीं कि लॉ नहीं है, लेकिन खतरा क्या है जो अभी तक, अब हम लोग शायद जो 5 घंटे का आपका एक्सरसाइज रहा है, जो कि एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है डेमोक्रेसी को बेहतर करने में, हम अंतिम पड़ाव पे शायद है, एक दो आपके और भी होंगे, हम पूरे को अगर आप गौर से देखें तो यही लग रहा है कि जो ब्लैक मनी है ये हर जगह पे वो रोल प्ले कर रही है। ये जो एक आदमी बैठा था कोई छिब्बर, ये कितना कॉन्फिडेंट है कि नहीं आप ब्लैक दे दीजिए, व्हाइट दे दीजिए, हम सब कर लेंगे। इसी तरह तमाम लोग जो हैं ब्लैक मनी से, उनको कहीं कोई एतराज नहीं, तो वो सोर्स को हम रोक दें कि ब्लैक मनी जनरेट ना हो, व्हाइट मनी में ये कुछ कर नहीं पाएंगे, ये लगभग स्पष्ट है। अब दूसरा पक्ष आता है ये पे ऑफ सिस्टम का करप्शन, जिसको हम कोलूसिव करप्शन कहते हैं, इसके लिए अभी भारत में कानून बहुत स्ट्रांग नहीं है, और जो चश्मा है आपका उससे आप प्रूफ, जैसे कल आप पे ये हो सकता है कोई पूछे कि भाई इसका प्रूफ क्या है कि पैसे गए हैं, विनोद कापड़ी जी क्या बताएंगे, एक महीने की इस मेहनत के बाद आपसे कोई पूछे कि भाई पैसा तो ट्रांसफर हुआ नहीं है। तो अगर आपको यही कहना है, लॉ अगर इस तरह चलेगा कि भाई प्रूफ लाइए, तो कोल्यूसिव करप्शन में प्रूफ आज नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने ये वादा किया है कि तुम्हें ये मदद करो, हम तुम्हें राज्यसभा का टिकट दे देंगे आज से 6 महीने बाद। अब बताइए कौन सा प्रूफ इसमें चाहिए। लिहाजा लॉ की कमियां हैं, और मुझे लगता है कि जब पब्लिक इसमें नाराज होगी, पब्लिक ओपिनियन बनेगा, उसके बाद पॉलिटिकल क्लास को दबना शुरू होगा, और तब कानून आएंगे, संस्थाएं बेहतर वर्क करेंगी। आगे हम बढ़े उससे पहले एक और आपको सूचना दे दें कि बहुत सारे दर्शक ट्विटर और फेसबुक के जरिए जिस तरह की बात लिख रहे हैं कि अब हमारी लोकतंत्र में हमारा विश्वास घट गया है, अब हम वोट करने नहीं जाएंगे, हमें अब यकीन हो गया कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, आप इस तरह की निराशावादी बातें ना करें। ये स्टिंग ऑपरेशन दिखाने का मकसद, ये इन्वेस्टिगेशन दिखाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप जागरूक हों, आप देखें कि आपके आसपास किस तरह के उम्मीदवार हैं, आप देखें कि आपके लोकसभा क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र में जो उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं उनके क्या क्रेडेंशियल्स हैं, उनकी उनके पीछे उनका बैकग्राउंड क्या है, वो क्यों खड़े हो रहे हैं, उनका मकसद क्या है, इसको आप समझें और सोच समझ कर आप वोट दें। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, बहुत लंबी चुनावी प्रक्रिया अभी बाकी है, कई राज्यों में चुनाव होने बाकी हैं, कम से कम नहीं तो 400 सीटों के अभी फैसला होना बाकी है, आपका एक एक मत बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप निराश ना हो, आपके हाथ में अभी ताकत है, वो ताकत को हम आपको और जागरूक करना चाहते थे, इसीलिए हमने आप तक ये स्टिंग ऑपरेशन पहुंचाया। अब हम आगे बढ़ते हैं और छिब्बर जो नया दौर पार्टी के अध्यक्ष हैं उन्हीं के बारे में और बात करते हैं। पैसे के दम पर वोट खरीदे और विधायक बन गए, ये संजीव छिब्बर का एक और दावा है जो अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया। अगर सचमुच ऐसा हुआ तो चुनाव आयोग को इसकी जाँच करनी चाहिए। ठीक यही बात शाजिया इल्मी के चुनाव पर भी लागू होती है। डमी कैंडिडेट के चक्रव्यूह में प्रत्याशी को फंसा कर हरा देना भी चुनावी नियमों के खिलाफ है, इसकी भी जांच चुनाव आयोग कर सकता है। आपको आज भारतीय चुनाव की ऐसी करतूत देखने को मिलेगी कि आप अवाक रह जाएंगे। दिल्ली में वोट डाल चुके आम लोगों के लिए न्यूज एक्सप्रेस के पास अब एक बेहद चौंकाने वाली खबर। नया दौर पार्टी के 3 उम्मीदवारों को उनके पार्टी अध्यक्ष ने डमी बनने के लिए बेच दिया। कौन है ये उम्मीदवार और कितने में इन्हें बेचा गया और इन्हीं चुनाव में इन्हें बेचा गया, देखिए आप इनको जरा। अब तक आपने देखा कि दिल्ली में मटिया महल से लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक शोएब इकबाल पर एक रात में 18 करोड़ खर्च कर जीत हथियाने का आरोप लगा है। साथ ही दावा किया गया है कि आपकी शाजिया इल्मी शायद डमी कैंडिडेट्स की वजह से अपना चुनाव हारी है। डॉक्टर छिब्बर यूपी की 3 सीट से अपने प्रत्याशियों को पैसे के लिए डमी कैंडिडेट बनाने को भी तैयार हैं। अब देखिए दिल्ली के 4 डमी प्रत्याशियों का दावा। नया दौर पार्टी के डॉक्टर संजीव छिब्बर से हमारी दूसरी मुलाकात दिल्ली के एक 5-सितारा होटल में हुई। तारीख थी 26 मार्च 2014। बातचीत शुरू हुई तो अलीगढ़, बिजनौर, फतेहपुर सीकरी से जो 3 डमी कैंडिडेट खड़ी करने की बात हुई थी उस पर डॉक्टर छिब्बर का जवाब उल्टा मिला। डॉक्टर छिब्बर ने कहा कि तीनों जगह से उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशियों का पर्चा भरवा दिया है जो डमी कैंडिडेट का काम करेंगे। इस पर अंडरकवर रिपोर्टर ने कहा
कि बात तो आपकी पार्टी से पर्चा भरवाने की हुई थी। एक विकास अग्रवाल और एक कमल। कमल ये देखिए तो कमल और एक विकास अग्रवाल दोनों का नेट में नाम आ गया। दे नॉमिनेटेड इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। यू सी वंस वी पुट अप अ कैंडिडेट व्हाट आई एम डूइंग फॉर यू अदर पीपल इन माय पार्टी आल्सो डोंट नो। Once I put up a candidate from Niyadhar, and tomorrow if I want him to do something, I may not be able to allay the suspicions of the other guys in my body. Nobody knows this, except me and my Chunav Prabhu. एक तीसरी फ्रेश डील में आज आपको दे रहा हूँ। दिल्ली से आपके कितने कैंडिडेट खड़े हुए हैं? 2014 लोकसभा में पांच। कहाँ कहाँ से? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, रमेश सिंह सिराली। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, रमेश सिंह सिराली। रमेश सिंह सिराली सिराल। ही इज गोइंग टू बी ए वेरी बिग स्पॉइलर बिकॉज ही इज उत्तराखंडी, लिव्स इन बोराली और सारे कंप्यूटर हार्डवेयर मैन है और बहुत एक्टिव है। दूसरा धनराज चौहान। धनराज चौहान कहाँ? चांदनी चौक। जो लास्ट टाइम आप बता के गए थे मुझे कल शाम को वाल्मीकि मंदिर में उसका प्रोग्राम है। कल है या हो चुका है? कल होगा। ओके इमीडिएटली आफ्टर द प्रेस कॉन्फ्रेंस। तीसरा न्यू दिल्ली नवीन चंद्र। न्यू दिल्ली नवीन चंद्र। आई एम माय सीट, मैं खड़ा होने वाला था पर इस बार खड़ा नहीं हुआ बिकॉज मैं चाहता हूँ कि पूरी पार्टी तो खड़ी हो जाए। तो उसमें इसको मैं कम से कम 1.5 लाख वोट मिलेंगे नवीन चंद्र दिलाऊंगा। ओके मेरा जगह है, मेरी पैदा हुआ हूँ। चौथा हम लोग साउथ दिल्ली से शाहिद। ओके ठीक है। और पांचवा ईस्ट दिल्ली से डॉक्टर नौभिज कपूर, साइकेट्रिस्ट एट द हॉस्पिटल। इन पांचों का नॉमिनेशन मुझे भी धनराज जी सकते हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड ही अगेंस्ट सिंपल अगेंस्ट आशुतोष अगेंस्ट दैट अदर फेलो हर्षवर्धन धनराज भी निकल गया इज अ आर दिस गेम and Naveen Chandra will also surprise many people. Okay. See? But our realistic chance is Shahid and Shahid is the only Muslim candidate from South Delhi. ठीक है सर? ठीक है। फिर एक हरिओम वाल्मीकि है। इन पांचों के नॉमिनेशन हो गए? हो गए। ओके। ओके। नेट पे आ गया नाम? नेट पे आ गया सबका नाम। किसी का नॉमिनेशन रिजेक्ट नहीं हुआ? नो। ओके। नया दौर पार्टी के पांच उम्मीदवार दिल्ली लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में हैं या नहीं, इस दावे की सच्चाई जानने के लिए न्यूज एक्सप्रेस की कई टीमें दिल्ली के बताए गए लोकसभा क्षेत्रों के लिए निकली और हमने पाया कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से रमेश सिंह सिराली, चांदनी चौक से धनराज चौहान, नई दिल्ली से नवीन चंद्रा और पूर्वी दिल्ली से नमित कपूर नया दौर पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और प्रचार भी कर रहे हैं। हमारी टीम ने पाया कि दक्षिण दिल्ली से जिन शाहिद को डॉक्टर छिब्बर अपनी पार्टी का प्रत्याशी बता रहे हैं वो दरअसल निर्दलीय प्रत्याशी हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं हम? नहीं नहीं, हम किसी पार्टी वगैरह के सपोर्ट में नहीं है। हम किसी कहने से भी नहीं खड़े, हम अपनी मर्जी से हम अपनी पब्लिक सिटी कर रहे हैं। हमारी पार्टी अगर कोई भी कैंडिडेट हमारे अगर आते हैं तो मैं सोचूंगा कि वो अच्छा कार्य करेगा। हमारी नई पार्टी है बट काफ़ी लोग हमसे जुड़ रहे हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग। विडंबना देखिए, इनको लगता है कि ये अपने लिए चुनाव लड़ रहे हैं पर सच्चाई ये है कि इनके वोटों का सौदा हो चुका है। इनकी पार्टी के अध्यक्ष ने इन्हें बेच दिया है डमी कैंडिडेट बनाकर इनके वोट हथियाने के लिए, चुनाव प्रचार के दौरान इनकी सुविधाओं का इस्तेमाल करने के लिए और चुनाव आयोग की आंख में धूल झोंक कर गैर कानूनी काम करने के लिए। ध्यान से सुनिए इस नापाक सौदे की कहानी डॉक्टर संजीव छिब्बर की जुबानी। अब डील ये है, इन पांचों कैंडिडेट को आप मुझे दे दीजिए। तो आप क्या कराएंगे इनसे? एज ए डमी
दिल्ली के पांचों एज ए डमी. टेल मी द प्राइस. Very big thing you want to ask me. These are my real candidates. Now you have to choose between your real candidate and me. चार दे दो. धनराज तो दे दो. कुछ तो पार्टी खड़ी हो जाएगी तो आपका ही फायदा होगा फ्यूचर में. आप मेरे को बताइए, हमारा और आपका एजेंडा एक है. हम नेशनलिस्ट लोग हैं. We are nationalists. We have got nothing. There is no difference between you and me. Us and BJP. Mm-hmm. And we are better than BJP. You know it. But now we are discussing professionally. Mm-hmm. That is a different issue. I mean, एक तो दे दीजिए. एक कैंडिडेट आपको चाहिए. धनराज. बाकी चार को आप हमारे लिए डमी बनाने को तैयार हैं. वो जीतेंगे तो है नहीं ना. जीत तो सकते ही नहीं. सी, तीन चार लाख वोट वोट पे आज भी जीतता है. ये जीतेंगे तो धनराज ही जीत सकता है. मुझे बड़ा आसान है इनको डमी बनाना. इनको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करूंगा तो ये डमी बन गया. देखा आपने, सुना आपने कैसे डॉक्टर संजीव छिब्बर अपने उम्मीदवारों को डमी कैंडिडेट बनाने का सौदा कर रहे हैं. ये गैर कानूनी है. चुनावी गुनाहों में शायद सबसे बड़ा और संगीन जुर्म. इस गुनाह के सबूत ऑपरेशन लोकसभा देश के चुनाव आयोग को दे रहा है. ऑपरेशन लोकसभा आपके वोटों के सौदागरों को बेनकाब कर रहा है. देखिए और सुनिए कि डॉक्टर छिब्बर कैसे डमी कैंडिडेट बनाने के लिए मोल तोल कर रहे हैं. चांदनी चौक नहीं, चांदनी चौक देखिए. मैं आपको नई दिल्ली जिता दूंगा, गारंटी. नई दिल्ली आप मुझे जिता देंगे. 100% बीजेपी को मैं जिता दूंगा और मैं ईस्ट दिल्ली भी जिता दूंगा बीजेपी. वो कैसे? अरे सर, हमारा हमारा जादू तो आया ही नहीं है. आप एक छोटा सा काम करना, मुझे थोड़ा मीडिया में एडिट करना. मैं तो कर ही रहा हूँ. एक्सपेंडिचर पैसे नहीं है तभी मैंने 5-6 लाख खर्च करा है. विदाउट मनी यू नो मैं. कल आप पीसी कर रहे हैं? कहाँ? प्रेस क्लब ऑफ इंडिया. अच्छा, मेक इफ आई गेट हाईलाइटेड इन द मीडिया आई डू एनीथिंग. कितने बजे? 3:15 बजे है. 3:15 3:30 में शुरू होगी. 4:30 तक चलेगी मैक्सिमम. वैसे तो 3 से 6 टाइम हमने बुक करा हुआ है. अगले दिन हुई इस प्रेस वार्ता को भी हमने खुले कैमरे में कवर किया, जिसमें नया दौर पार्टी के डॉक्टर संजीव छिब्बर ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, जबकि वो इस पीसी से पहले ही दिल्ली के 4 लोकसभा प्रत्याशियों का सौदा हमारे साथ कर चुके थे. आइए आपको वापस ले चलते हैं उस डील में, जिसमें अभी 4 लोकसभा प्रत्याशियों की कीमत लगना बाकी है. दिल्ली के चारों एक मुझे दे दीजिए. लेट्स बी रियलिस्टिक, मुझे कुछ तो मिलना चाहिए ना. चारों कौन कौन से दे रहे हैं आप? ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और कौन सा है? न्यू दिल्ली. ये जीत नहीं सकते हैं. ये लोग जीतेंगे नहीं. एंड आई विल मेक श्योर दे वर्क फॉर यू बाय कटिंग दी सेकुलर सो कॉल्ड सेकुलर. वोट कटिंग भी है, प्लस जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसिलिटीज हैं वो भी अवेल करनी है हमारे कैंडिडेट को. बड़ा ही कठिन गणित है वोटों के विश्वासघात का, प्रत्याशी को डमी बनाकर बेच देने का. इनकी जरूरत हमेशा चुनाव में होती है, लिहाजा डमी का ये धंधा बहुत फलफूल रहा है और इसमें कमाई भी बहुत तगड़ी है. एक चुनाव में जिंदगी भर के वारे न्यारे. जो डमी मैं आपसे खरीद रहा हूँ, आपके कैंडिडेट जो दिल्ली के मैं खरीद रहा हूँ आपसे, चार जिनको मैं डमी बना रहा हूँ, उनका आप मुझे बताइए. महंगा पड़ेगा आपको. हैं? ये तो आप मेरे दिल से खेल रहे हैं तो थोड़ा महंगा पड़ेगा आपको. बताइए सर. If I say two लाख करोड़ फॉर फोर. हाँ.
Let's negotiate. आपके चार कैंडिडेट मुझे देने का 2 करोड़। हाँ? You negotiate for me. I have no idea. You ask me to the price. I have no idea. And this is new territory for me. So you decide and you tell me. I honestly, as a Brahmin to another Brahmin, you tell me how much you will give me and I will accept it. और इस तरह से नया दौर पार्टी के अध्यक्ष ने बिना उम्मीदवारों को पता चले उनका सौदा पूरा कर दिया। दिल्ली लोकसभा का चुनाव लड़ रहे नया दौर पार्टी के प्रत्याशी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से रमेश सिंह सिराली, नई दिल्ली से नवीन चंद्रा और पूर्वी दिल्ली से नमित कपूर डमी प्रत्याशी हो चुके हैं। हमारी मतदाताओं से अपील है कि वो मतदान करें, पर ऐसे प्रत्याशियों की पहचान करने के बाद अपने वोट को कमाई का जरिया बनने से बचाएं, इसे देश की सही सरकार बनाने के लिए इस्तेमाल करें। इससे आगे हमने डॉक्टर छिब्बर से बातचीत नहीं की, क्योंकि हम अपनी तरफ से कोई कानून नहीं तोड़ना चाहते हैं। हाँ, गलत चीजों को सामने लाने की जिम्मेदारी जरूर पूरी करना चाहते हैं। दिल्ली से न्यूज एक्सप्रेस के लिए जमशेद खान के साथ सुशांत पाठक की रिपोर्ट। नया दौर पार्टी के बारे में आपने खुलासा देखा और थोड़ी देर के बाद हम मथुरा चलेंगे एक बार फिर से। प्रताप सोमवंशी जी, दिल्ली में तो बिल्कुल अंधेर हो गई। नया दौर पार्टी के अध्यक्ष अपने 5 में से 4 उम्मीदवार जो इस चुनाव में लड़ रहे हैं उन्हें बेचने के लिए बिल्कुल तैयार दिखे। मतलब आप देखिए ना, कितना लालच टपक रहा था, एकदम जैसे बरस रहा था। उनको लग रहा था कि कहीं से पैसे आ रहे हैं, बटोर लो, कुछ भी नहीं सोचना। जितनी शर्तें रिपोर्टर रखता जा रहा था उसमें आगे बढ़ बढ़ के उसको मानते जा रहे थे। कह रहे 4-1 दे दो, 1 जीत जाएगा। मतलब ये जो मैं इनको कहूँगा, ये लोकतंत्र के ठग हैं। तो ये जो ठगी की भाषा, वो अपने हिसाब से उसको भी, उनको लग रहा है जो सामने व्यक्ति है जो उनका स्टिंग कर रहा है, उनको लग रहा है वो उसको भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। 3 लाख वोट, 4 लाख वोट, इतने पैसे, इतनी चीज़ें, फला इतने पैसे से जीता, तो उनको ये लगता है इसी तरह कि वो एक जाल बुन रहे हैं। उनको ये अंदाज़ा ही नहीं था कि वो खुद फंस रहे हैं। उनको लगा कि वो एक जाल बुन रहे हैं और उस जाल में ये कोई शिकार फंसा रहे हैं। आप देखिए, बाकायदा विनोद, अगर हम पूरी ये देखें, ये सारे लोग इस काम के साथ साथ लोगों के ब्लैक के पैसे वाइट करते हैं। मुझे बहुत जुड़ा तो पहले पूरक धंधा, तो यानी ये काला धन ये बढ़ाएं, चुनाव की पूरी प्रक्रिया को ये दूषित करें, हराने जिताने का जो गणित है, तो मुझे लगता है इन पे